होममेड कंडेंस मिल्क। हमें जब भी कोई इंस्टेंट मिठाई बनानी होती है तो सबसे पहले याद आती है कंडेंस मिल्क की। तो आज हम यही रेसिपी बनाने वाले हैं, तो देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए फुल फैट मिल्क 1 लीटर। बफेलो का मिल्क लिया है मैंने यहाँ पे, 250 ग्राम चीनी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी बड़ी सी पैन में दूध को। पैन बड़ा होने चाहिए और मोटी तली का पैन होना चाहिए, तभी अच्छे से कंडेंस मिल्क बन पाता है। अब इसमें मैं कोई पानी वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, बस करछी से लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये दूध आधा रिड्यूस ना हो जाए। लगातार इसीलिए भी चलाना है ताकि उसके ऊपर मलाई ना आ जाए। अब दूध आधा हो चुका है तो मैं इसमें अब चीनी ऐड करूँगी। और जब चलाते हैं करछी तो साइड कॉर्नर्स को भी अच्छे से साफ कर लेना है। अब चीनी मैंने डाल दी है इसमें, इसको फिर से मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक ये 3/4 ना हो जाए। लेकिन जब हम ये दूध को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी उसके ऊपर मलाई ना आए, इसका खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, तब भी हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। अब थोड़ा सा विस्क से भी मैं इसको चलाऊंगी ताकि गलती से भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर मलाई आ गई हो तो वो पिघल जाए। अब दूध हमारा लगातार रिड्यूस हो रहा है और ऐसा दूध बनाना बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। जब भी हमें कभी इंस्टेंट मिठाई बनानी हो तो हम इसे इस कंडेंस मिल्क का यूज़ करके बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को सबको आना ज़रूरी है। देखिए अब 3/4 मिल्क हो चुका है तो मैं उसमें डाल दूँगी सोडा। बेकिंग सोडा डालते वक्त गैस को कम कर देना है, लो फ्लेम पर रहना रखना है। जब भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो दूध में तुरंत झाग आना शुरू हो जाता है और झाग आने के बाद दूध उफन के बाहर आ सकता है। देखिए झाग कितनी बढ़िया से आ रही है, और जब ये झाग आती है तभी कंडेंस मिल्क बढ़िया बनता है। साइमल्टेनियसली कॉर्नर्स को भी साफ करते रहें। कंटिन्यूसली चलाते रहना है। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि एक भी रेसिपी अच्छी मिस ना हो। देखिए कितनी बढ़िया से झाग आ रही है और दूध उफन के बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहना है ताकि झाग कम हो जाए। और झाग अब कम हो चुकी है, इसका मतलब दूध हमारा बहुत अच्छे से बन रहा है, कंडेंस मिल्क बन रहा है। लेकिन इसको फिर भी हमें 10 मिनट तक और पकाना होगा। अब 10 मिनट के बाद देखिए दूध 25% ही बचा है कढ़ाई में और ये कंडेंस मिल्क अब बन चुका है। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मैं उंगली से भी चेक करके दिखा देती हूँ आपको, एक तार का जब टूटने लगे हो चाशनी जैसे तो समझ लेना है कि हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। फिर भी इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि मलाई ना आए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। गैस को बंद करने के बाद हमें 15 मिनट तक, जब तक ये लुक वार्म ना हो जाए तब तक उसको हिलाते ही रहना है। उसके बाद 1 घंटा सेट करने रखना है ताकि अच्छा कंडेंस मिल्क हमें मिले। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। और देखिए 1.5 बाउल मेरा कंडेंस मिल्क यहाँ पे बन के रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच से गिरा कर भी उसको, कितनी बढ़िया मार्केट जैसी कंडेंस मिल्क बन के रेडी है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगली बार फिर से मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।